मैं आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज मैंने कहा कि घर से बाहर निकल के, बिल्कुल ये मेरे घर से विद इन 2-3 ब्लॉक ही है जगह, ये स्विमिंग पूल है यहाँ अराउंड में, ये इस डिवीजन का सब डिवीजन जो है या पॉपुलेशन है इसका। एनीवे, तो मैं बहरहाल 3 दिन से कराची की बारिश, लाहौर की बारिश, हैदराबाद की बारिश, अंदरून सिंध की बारिश और बाकी मुल्क का तो बताता ही नहीं है ना मीडिया, मुझे तो उतना ही पता है। आप लोगों को भी कुछ ज़्यादा थोड़ी पता होगा, जहाँ रहते हैं बस वहीं का पता होता है। मैं मुसलसल देखें, बारिशें यहाँ पे भी बड़ी खौफनाक होती है, उन बारिशों का आप तस्वीर ही नहीं कर सकते, 5-5 दिन तक डिज़ास्टर भी होता है। मैंने सैंडी देखा है, मैंने और बड़े बड़े तूफान देखे हैं, 40 इंच बर्फ देखी है, मतलब 36 होते हैं ना, तो 3 फीट से अबव मैंने गाड़ियाँ दबी हुई देखी हैं, मगर घंटों में मेन सड़कें, गलियाँ साफ, कभी कभी गलियाँ रह भी जाती हैं। फ्लोरिडा का मुझे मालूम है, कैलिफोर्निया का, कि घर भी डूब जाते हैं, मगर जिन बारिशों का, जिन तूफानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ना करे वो कभी आपकी ज़िंदगी में आए कि अगर कराची में सैंडी आधा आ जाए तो शायद पूरा कराची गायब हो जाएगा। यहाँ बाहर गर्मी है, ख़ानदान रियासतें हैं और शहर जो है वो बुनियादी नज़्म व ज़ब्त पे चलते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, खाली हिंदुस्तान भी मैं कहूँगा कि महज़ब दुनिया से हज़ारों साल पीछे हैं। अगर जिस तरह से हमने शहरों को, गांव देहातों को, पूरे खत्ते की बात कर रहा हूँ मैं, डेवलप किया है ना नाजायज़ तरीके से, अगर आप महज़ब दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश भी करें ना, तो शायद 200 साल लगेंगे आपको पूरे, कम अज़ कम जंगी बुनियादों पर अगर काम करें, और करना चाहिए, हमारी फ़ौज के पास काम तो कोई और है नहीं, तो यही काम करें जंगी बुनियादों पर तसव्वुर करके, तो पूरे शहर के शहर अव्वल तो गिराने पड़ जाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो रहना अब ऐसे ही होगा, क्योंकि जब बुनियाद ख़राब हो जाए तो फिर काम आगे नहीं बढ़ता। जिस मुल्क में, जिस सूबे में बल्दियात का सेक्रेटरी, सिटिंग सेक्रेटरी गिरफ्तार होता हो बदनवानी में, उसके बाद क्या रह जाता है? अब यकीन करें, ये पूरी नौकरशाही, अगर ईमानदार कोई हुक्मरान अभी आ जाए और अदलिया काम करने लगे, कानून के दायरे, इंसाफ के दायरे अपना प्रॉपर काम करें, तो 18-17 से ग्रेड से लेके जितने बड़े अफसरान हैं ना, जो असल जिम्मेदार हैं, वो सब अरेस्ट हो सकते हैं, सारे के सारे। तो इसका मतलब हुआ ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही जीना लगता है आप लोगों को, ग्रेजुअली ये तब्दीली आएगी ना, सालों सदियों का सफ़र लगता है अब तो मुझे। जब यहाँ गली, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब मैं यहाँ गलियों सड़कों पे अब निकलता हूँ शॉपिंग प्लाजा में, मुझे यकीन नहीं आता है, हम जैसे ही नॉर्मल इंसान हैं। बाज़ जगह मुझे लगता है ये ज़्यादा स्लो हैं हमारे मुकाबले में, हम बहुत मेहनती लोग हैं, 12-14 घंटे तो ऐसे काम कर लेते हैं जिससे कोई इशू ही नहीं है, और ये 8 घंटे में थक जाते हैं, 5वें दिन काम नहीं करने चाहते। यहाँ बहस हो रही है कि 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए, और छोटे काम जो हार्ड वर्किंग काम है वो उन्हीं मुल्कों के, उन्हीं खित्तों के लोग करते हैं जहाँ बदउनवान रियासतें हैं, बदउनवान हुक्मरान है, अशराफिया है, कि पूरा कराची डूब गया, पूरा हैदराबाद डूब गया, लाहौर पूरा डूबा हुआ है, 85% पानी लोगों को साफ पीने को नहीं मिलता, 2.5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, 2.5 करोड़ मेंटल हेल्थ के तलबगार हैं, और बाकी बीमारियां अगर आप गिने तो आधे से ज़्यादा मुल्क आपका बीमार लगता है। फिर दिलचस्प बात यह कि मीडिया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कि 2-3 मैंने कराची पे प्रोग्राम देखे कि वही लोग जो रोज़ वही बकवास करते हैं, वही फजूल बातें करते हैं, वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको लाके वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बिठा दिया गया, और जी कराची के इशू पे काम हो गया, जी कराची का मसला हल हो गया। मीडिया का ये काम थोड़ी होता है, मीडिया का काम होता है कि वो गुज़िश्ता 12 साल का एस्टीमेट लेकर आती है कि किस ईयर में कितना बजट किस इलाके के लिए आया, वहाँ क्या खर्च हुआ, क्या बना, क्या टूट गया, कि मलीर के नदी पे जो पुल बना आलमी वर्ल्ड बैंक के
वर्ल्ड बैंक के पैसों से वो भी बह गया, मगर वहां से कोई नहीं बताएगा। तो बात यह है कि जो मीडिया है ना, बहुत दुख होता है। सदीक जान एक लड़का है, मैं देखता हूँ कि ये लड़के जो नए आए थे, इन्हें भी उन्हीं लाइन पे लगा दिया कि नवाज शरीफ बुरा है, जरदारी बुरा है, इमरान अच्छा है, और इमरान अच्छा है और जरदारी अच्छा है तो इमरान बुरा है। वो सारा दिन यही गाते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं बेचारों को। काश इस मीडिया को समझ होती कि जमहूरियत में बलदियाती निज़ाम ही सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ ये बलदियाती निज़ाम जो पाकिस्तान में, मीडिया की जो सबसे तारीखी नाकामी है ना, कि जब ये नवाज शरीफ और जरदारी एक कंट्रोल बलदियाती निज़ाम ला रहे थे, तो ये मीडिया लोगों को जगा कर सड़कों पर ला सकता था, और इनके मुंह ही नहीं, इनके हाथ पांव भी बांध कर सकता था, इन गुंडों के, सियासी गुंडों के। आप यकीन करें, मैं हर बात का जिम्मेदार फौज को ही समझता हूँ। लोग बड़े भी तो होते हैं ना, खासकर मैं उन लोगों से बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं जो ये कहते हैं मेरे दोस्त कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है जब से वो सऊदी अरब गया और सऊदी अरब से लौट कर आया। झूठ, सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करता था। ये रोज़ाना के इशू ख़त्म हो आपके यहाँ तो मैं इनकी बदनवानियाँ, इनकी बदकारियाँ गिनवाऊँगा, जो मैं जिनका मैं आँखों से गवाह हूँ। वक्त आने पर, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जनाब, जिस मुल्क का बलदियाती निज़ाम ही अफराद के कब्ज़े में हो, यहाँ की सारी ब्यूटी यकीन करें बलदियाती निज़ाम में है। शहरी हुकूक जो हैं जिस तरह से दिए गए हैं, बस वही असल जमहूरियत है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी मैंने कल एक पोस्ट लगाई कि एक और ब्लैक को विस्कॉन्सन में पुलिस शूटिंग में वाकया हुआ है, तो लोग बात निकल आए, तो हमारे कुछ लोग मेरी वॉल पे आके अमेरिका के खिलाफ, वो तो एक तैयार बैठे होते हैं अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर तो साफ कर नहीं सकते, कचरा उठा नहीं सकते, भीख मांगने से आप बाज नहीं आते, आपकी इकोनॉमी पॉलिसी ही भीख के ऊपर बेस करती है, आप अमेरिका की पॉलिटिक्स पर, अमेरिका के माशरती बुराइयों पर तनकीद करने के लिए आज़ाद हैं मुकम्मल। थोड़ा शर्म करें, थोड़ा लिहाज करें। गिरेबानों में झांके हैं, ये नौकरशाही कौन है बाहर से आई है, ये फौज कौन है बाहर से आई है, ये सियासतदान बाहर से अमेरिका ने भेजे हैं आपके यहाँ? भाई आप ही हैं, कोई और कोई नहीं है। जब अपने घर में रिश्वत आ रही होती है तो सब आंखें बंद होती हैं कि मोहल्ले से कचरा उठाता कि नहीं उठाता। तो जब तक अपने अंदर, अपने ईमान में सफाई नहीं लाएंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। आप यकीन करें, जो आपके हालात हो चुके हैं ना, और जिस तरह से मीडिया पे दिखाया जा रहा है, बहुत कंट्रोल मीडिया, आपका ख्याल रखिएगा, असल खबर नहीं दे रहा वो, क्योंकि वो मारा जाएगा, क्यों मरेगा कोई दूसरा आपके लिए जब आप बाहर नहीं आएंगे। मगर उसके बावजूद वो मीडिया जो दिखा रहा है ना, उससे जो आपका इंतशार, आपकी अफरा तफरी, आपकी गंदगी, गिलाजत, मैं बुरा नहीं मानिएगा, आज मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, उसमें मैं भी, मेरे ख़ानदान, मेरा घर, मैं सब शामिल हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं हम। अपनी बुनियादी सफाई पर यकीन नहीं करते। मैं यहाँ कहता हूँ, मैं लिखता भी रहा हूँ कि अगर आप किसी अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में जाएं और उसका बाथरूम गंदा मिले, तो यकीन है कामिल रख लीजिएगा वो किसी इंडियन पाकिस्तानी का ही होगा और किसी का नहीं होगा। दर्जनों वाकयात में यहाँ के हमने यहाँ नहीं सीखा अभी तक कि नज़्म नफ़ क्या होता है, या सफाई क्या होती है, तहारत की जैसे कहते हैं वो क्या होती है, तो वहाँ कहाँ से आएगी? आप यकीन करें, कराची को देखकर रोना भी नहीं आ रहा। आप तो क्यों रोना है जब आपको नहीं आता? कैसे मज़े से पानी में बच्चे आपके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आपको ये भी एहसास नहीं है कि उस पानी में जो बीमारियां आने वाले दिनों में हैं उनसे बच्चों को बचा लें? मगर आपको तो ये भी शऊर नहीं है। तो जब तक आप ये सारी हरकतें करते रहेंगे, दुनिया आपका तमाशा ही लगाती रहेगी। एटम बम रखने से कुछ नहीं होता, वो एटम बम रखे रखे सड़ जाएगा ना। इंडिया को आपको कुछ करने की ज़रूरत है, इंडिया भी आप जैसा ही मुल्क है, मगर कुछ बेहतर हो गया है, वो शायद वहाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ इदारे बन गए हैं उनके। आप कुछ भी नहीं बना सके, सिर्फ नारे मारते हैं दिल्ली पे कब्ज़ा करना है, गज़वा हिंद होनी है, और इस्लाम का बोलबाला होना है, और अमेरिका को तबाह होना है, यूरोप को बर्बाद हो जाना है, और उनसे दूसरे दिन कटोरा लेके भीख भी मांग लेनी है।
भाई खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें, कुछ तो अपने गिरेबान में झांकें। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको सुधारने के लिए, दिखाने के लिए, आपके नौकरशाही, आपके सियासतदान, आपके फौजी जर्नल, इवन कर्नल, ये दुनिया घूम कर जाते हैं, हर साल आते हैं, इनके बच्चे यहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं ना कि यहाँ निज़ाम है, यहाँ एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। तो जब हम अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं दुरुस्त कर सकते? आप यहाँ से भी जो लोग लेकर जाते हैं तो उनकी नज़रें ही खजाने पे होती हैं, पहले से तैयार बैठे होते हैं, मुंह खोले हुए, पाँच पाँच दस दस साल से इसी मेहनत में यहाँ से बैठ के काम कर रहे होते हैं, वही कोशिशों में होते हैं कि किसी सूरत से वहाँ का ख़जाना लूट लें। तो जब तक आप ये ख़जाने लूटते रहेंगे, लुटवाने के लिए बुलवाते रहेंगे, मामला नहीं दुरुस्त होंगे, आपको जागना होगा। मैंने आज एक बांग्लादेश के, वो भी हम जैसा ही मुल्क है, कि एक बंदे का पढ़ा कि वो पता नहीं 48 साल से रोज़ एक दरख्त लगाता है, 50,000 से ज़्यादा दरख्त लगाए। आप कितने दरख्त लगाते हैं? तब तो देखें, जब मैं बड़ा हो रहा था ना, या मैं जब रिपोर्टर था तो मुझे कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, गूगल नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो हमारे KDA के, बल्दिया के और दूसरे रिपोर्टर्स होते थे, वो भी लगी डिप्टी के डायरेक्टर ने ये कहा और लैंड डायरेक्टर ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, यही खबरें छपती थी। मैं खासकर मीडिया के नौजवान रिपोर्टर से मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है, क्या दुनिया की हर इंफॉर्मेशन हाईवे में रहते हैं। बकौल हमारे यहाँ के हारने वाले सदर जो नायब सदर भी थे क्लिंटन के, मैं नाम मेरे जहन से स्वर निकल रहा है, तो उनके बकौल की इंफॉर्मेशन हाईवे का दौर है, आप उसमें रहते हैं, आप तो एक एक चीज़ निकाल सकते हैं। इन खबरों पे तो पाबंदी नहीं है कि किस इलाके का कितना बजट आया था, कितना लगना था, ठेका कैसे किसे दिया गया, कौन जानने वाले थे, कितना खा लिया गया। अगर ये चीज़ें आकर आप लोग पेश करें, इमरान खान बेचारा क्या कर सकता है? मैं भी मुखालफत करता हूँ इमरान की, जरदारी की, सबकी, मैं ये कुछ नहीं कर सकते। इसी सिस्टम की वजह से ये लोग खाते रहे, और यकीन करें, आप मुझे ले आएँ, किसी को ले आएँ, अगर यही सिस्टम बहाल रहा, कंटिन्यू रहा, तो मैं भी खाने लगूंगा, आप भी खाने लगेंगे, इसके अलावा वहाँ और कोई रास्ता ही नहीं है। तो निज़ाम बदलने के लिए आपको अपनी सलाहियतों का इजहार करना होगा, ख़ासकर मीडिया को। ये मीडिया नहीं है कि आप कराची के इशू पे ये समझते हैं कि दो घंटे का प्रोग्राम किया आपने और वज़ीर आला को सुनवा दिया और उसको सुनवा दिया और दूसरे पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दिए। वज़ीर आला कह रहा है चार घंटे में शहर फैज़ल से पानी साफ़ हो जाता है, वो फिर डूबी हुई है, तीन दिन से तो पानी मैं देख रहा हूँ वहाँ खड़ा हुआ सुलझानी। मतलब नई बस्तियाँ ऐसे बनती हैं। मीडिया का तो काम यह है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट आए तो उसका पूरा डिटेल दे कि यहाँ पानी का सिस्टम क्या दिया और निकलने का सिस्टम क्या दिया। मुझे आखिरी वाक्य सुन लीजिए, ये जो मुस्तफ़ा कमाल बढ़ के बातें मारता है ना, खालिद मकबूल सिद्दीकी जब ये मेयर था तो मुझसे इंटरव्यू करवाने के लिए लेकर आए, तो ये हिल्टन होटल में अपना का कन्वेंशन था, ये अर्ली 2000 की बात है, मुझे डेटें याद नहीं है, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी था, तो खालिद मकबूल, डॉक्टर मकबूल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहाँ लेकर आए। तो ये जितना तेज़ लहजे में बोलता है ना, ये उतना सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट होटल, वहाँ चीख चीख के बोलने लगा। तो मैंने कहा हुजूर लोग चौंक कर देख रहे हैं, आहिस्ता बोलिए। तो कहता है बताएं कोई ऐसा हो सकता है कि मैंने 21 अरब रुपए सीवरेज में नीचे ज़मीन में लगा दिए, सीवरेज लाइन में कोई लगाता है? सियासतदान लगाते हैं, वो तो ऊपर लगाते हैं पैसा ताकि नज़र आए। बिल्कुल ठीक कहा उसने। मैं कह सोच देखें, ये सोच डेवलप हुई है कि अगर शहरी पैसा, आपके टैक्स का पैसा अगर सीवरेज लाइन में लग जाए तो सियासतदान को दुख होता है और दुख के साथ फख्र से इजहार करता है कि मैंने ये काम किया। ये बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने ऊपर पैसा लगाया ताकि जब उस पर नज़र पड़े तो उन दोनों का नाम आपके जहन में आए। मैं इस पर आज इतना ही कहूँगा, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।